अब तक की बड़ी खबर सीधी से आ रही है। आपको बता दें, सीधी जिले के सिमरिया चौकी के अंतर्गत बेलदह करणपुर गांव में 6 माह की बच्ची खेत में मिली। आज सुबह 6 बजे गांव में बाहर जाते समय लोगों को रोते हुए बच्ची खेत में मिली। माँ बाप का पता नहीं है, लेकिन बच्ची को पालने के लिए सैकड़ों लोगों ने हाथ बढ़ाया। वहीं पुलिस द्वारा जिला स्वास्थ्य केंद्र लड़की को भेजा गया। जो कि करणपुर गांव में जानकारी क्या कुछ जानते हैं, क्या है? जानकारी यह थी कि सुबह सुबह जब शौचालय के लिए ग्रामीण लोग जाते हैं सुबह, जब ही एक बच्ची रोती हुई खेत में मिली। उसके बाद हमको जानकारी हुई। जानकारी के बाद मैंने, जो हमारा कर्तव्य होता है, मैं जनपद का पूर्व उपाध्यक्ष था, रोको ठोको संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता में जुड़ा हूँ, इस हद से मैंने जो भी व्यवस्था बनी उस बच्ची के लिए दौड़ के गया, उनका सहयोग किया। ग्रामीणों द्वारा फोन 100 नंबर लगाकर पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद उस बच्ची को सिमरिया चौकी भेजा गया। सिमरिया चौकी द्वारा जिला स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जो बच्ची स्वस्थ है और सुंदर है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? जानकारी यह है कि अज्ञात लोगों द्वारा उस बच्ची को कोई गांव के मोहल्ले में खेत में फेंक दिया था, जबकि वहां आसपास के लोगों से पता किया गया तो वह बच्ची वहां की नहीं थी। कितने साल की है? 6 माह की बच्ची है, 6 माह की। गांव वाले भी लेना उसको कॉल? अरे ग्रामीणों की तो होड़ लगी थी, इतनी सुंदर बच्ची थी, सब कह रहे थे कि इसको हम पालेंगे, हम पालेंगे। सिमरिया चौकी लाया गया, यहाँ भी सब महिलाओं और लोगों की उमड़ी भीड़ कि हम बच्ची को पालेंगे। मेरी भी इच्छा थी कि अगर यह बच्ची सुंदर मिल जाती है तो हम भी पाल पोस लेंगे, मगर वो आगे तक निर्णय वो जो महिला पाई है, जैसवालिन है, वो खुद मतलब ये चाहती कि उस बच्ची को हम अपने पास ही रखेंगे। अब इसका निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा या अन्य अधिकारियों द्वारा होगा। और स्वस्थ अच्छी बच्ची जो अभी जिला अस्पताल सीधी में ले जाया गया है।